जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मेरे कान पक गए सुन सुन के दादी की शादी नहीं हो सकती, दादी की शादी नहीं हो सकती, दादी की शादी नहीं हो सकती। कौन कहता है कि दादी की शादी नहीं हो सकती? समाज ये कभी नहीं मानेगा अनुपमा। समाज क्या है ये समाज? बार बार लोग जो समाज की दुहाई देते रहते हैं, है कौन ये समाज? कहीं कोई चार जन की कमेटी बैठती है वो समाज है कि फिर ये गली के लोग ये समाज है, या फिर कोई घर परिवार वाले समाज है? बताइए मुझे, समाज है क्या? अरे समाज है आप और मैं, आप हम सब समाज है। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी तो समाज की सोच बदलेगी, हम आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। समाज 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 समाज, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, एक इकाई हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। समाज कोई बुलडोजर की तरह ऐसे आगे नहीं बढ़ता है, समाज तो नदी की तरह आगे बढ़ता है, धीरे 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 धीरे। मैं आगे बढ़ रही हूँ तो समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज बदलेगा, भले ही एक 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 मिलीमीटर ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगा और बदलेगा भी। इसी देश में, इसी समाज में, इस दादी की शादी होके रहेगी। औरत के हाथ में सबके नाम की लकीरें होती हैं, बस अपनी ही नहीं होती। मैं बाकी सारी लकीरें मिटा नहीं रही हूं, बस अपने नाम की एक लकीर खींच रही हूं, क्योंकि अगर औरत अपने लिए नहीं करेगी तो कोई भी उसके लिए नहीं करेगा। और मैं कोई देवी नहीं हुआ, जरा भी नहीं। ना मैं त्याग की देवी हूँ, ना मैं महानता की देवी हूँ, ना मैं इसकी देवी हूँ, ना मैं उसकी देवी हूँ। मैं किसी भी चीज की देवी नहीं हूँ, जरा भी नहीं। ये तो सुख, जब ये मुझे चरित्रहीन कह रहा था तब किसी को याद नहीं आया कि मैं देवी हूँ। जब ये स्वीटी मुझ पे हमेशा शर्मिंदा होती रही है तब किसी को याद नहीं आया कि मैं देवी हूँ। आज मैं अपने लिए थोड़ा सा जीने क्या चली तो सबको अचानक से याद आ गया कि मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ। अरे बाप रे, नहीं, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो बस इंसान हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक दादी हूँ, और अब पत्नी बनने जा रही हूँ। इस दादी की शादी तो होगी भविष्य। अनुपमा, आज नहीं, आज नहीं। हर बर्दाश्त की एक हद होती है, हर इंसान की एक सीमा होती है, हर नदी के ऊपर ऐसे खतरे का निशान बना होता है, और आज इस नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। तो आज नहीं अबा, आज नहीं। बाहर वालों ने पूछा तो मैं चुप रही, क्योंकि मैंने सोचा कि अनजान लोगों के सामने क्या तमाशा करना, किसी और की सगाई में क्या रोना धोना करूं। लेकिन आज मेरे अपनों के सामने मैं साफ साफ कह रही हूं कि मैं तो ये शादी करूंगी, धूमधाम से करूंगी। हल्दी मेहंदी संगीत वाली शादी करूंगी, अपनी शादी में ढोल भी बजवाऊंगी और नाचूंगी भी। जिसको परेशानी है वो
नाय। क्योंकि जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो तो आएंगे ही, जरूर आएंगे, 100% आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं वो यहीं से मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, चाहे तो बद्दुआ भी दे सकते हैं या फिर कोस भी सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने हमेशा अपना धर्म निभाया है, अब प्यार भी निभाऊंगी। मैंने 26 साल दर्द सहा है, अनुज ने 26 साल विरह सहा है, अब ये इंतजार खत्म। अब हम अपने हिस्से की, अपने हक की खुशियां लेकर रहेंगे। न्योता आप सबके लिए है, अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मिठाई घर पे भिजवा दूंगी। इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अरे जिस तरह से पाप का खड़ा होता है ना, वैसे सबर का भी खड़ा होता है। घास भी दब दब के थक जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। अरे तो मत दबो ना, कोई तुम पे जुल्म नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें यहाँ पे गन पॉइंट पे लेके नहीं आया, तुम खुद आई थी यहाँ पे किंजल का ध्यान रखने के लिए। मिस्टर शाह, आप ही के रिक्वेस्ट पर मम्मी इस घर में आई थी। हाँ तो आप मेरी ही रिक्वेस्ट पे अपनी माँ को बोलो कि यहाँ से चली जाए। ये जो बात बात पे विक्टिम कार्ड उठा लेती है ना, इस विक्टिम कार्ड को उठाए और हमारे इस घर से और हमारी जिंदगी से निकल जाए। अरे इसकी बात हो रही थी सिर्फ इसकी, बट इसे जनरलाइज करना जरूरी है। बात बात पे माँ की महानता के राग गाना जरूरी है, बात बात में औरतों की आवाज उठाना जरूरी है। वाह 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 वाह, मर्द हाथ उठाए तो भी चलता है, पर औरत अगर आवाज उठाए तो बात चुप जाती है। अरे चुप करो, बकवास अपनी बंद करो, ये जाओ निकल जाओ यहाँ से। वो अपने अनुज कपाड़िया के साथ जाके लिविन में रहो, शादी करो, हनीमून करो, जो करना करो, लेकिन इस घर से और मेरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद। अरे अगर कोई मांझा तोड़ने की भी कोशिश करता है ना तो पहले हाथ कट जाता है, तो ये तो रिश्ते हैं। और आप रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी अनुपमा से। अरे जान दे दूंगी पर अपने रिश्ते नहीं दूंगी। अरे बकवास बंद करो अपनी, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट। हाँ, अनुपमा इस घर से जाएगी। लेकिन तब जब उसका ये बाप उसे डोली में बिठाकर विदा करेगा। अनुपमा ने सही कहा, जिसको जो करना है वो कर ले, न मेरी बेटी को कोई फर्क पड़ता है न उसके बाप को। हाँ, मैं एक नाकाम ससुर था, अपनी बहू के लिए यह ससुर कुछ न कर पाया, लेकिन बेटी के लिए मर के भी अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी बेटी इस घर से विदा होगी, डोली में बैठकर विदा होगी, बस ये मेरा फैसला है। मेरी बेटी की शादी सारे रीति रिवाज से, धूमधाम से, विधि विधान से होगी। जिस शान से मेरी बहू बनाकर उसे लाया था, उसे हजार गुना शान से बहू बना के उसे घर से विदा करूंगा। हमारे यहाँ क्यों बापूजी? ये अपमान का घूंट हमें क्यों पीना पड़े? इसे शादी करनी है करे, पर यहाँ क्यों? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे तूने उसके साथ क्या क्या नहीं किया लीला,
लेकिन अब जो मैंने कहा है वो करूंगा और जरूर करूंगा। अगर मेरी बेटी की शादी चुप रही है तो चली जा, जामनगर चली जा। हाँ तो जीजा जी, मैं छोड़ के आऊंगा ना दीदी को, और मैं वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तो शादी अटेंड करनी है। शादी का निमंत्रण सबको है, जिसे आना है वो आए और नहीं आना बाहर में जाए। जब तक बा यानी तुम लोगों की मोटी बा जिंदा थी, हर शुभ समाचार पे यही शंख ध्वनि होती थी। याद है 17 साल पहले जब अनुपमा की पहली उड़ान थी, तब भी बा ने यही किया था। और तुम लोगों ने उड़ान के पहले ही उसके पंख काट दिए थे। जाते जाते बा ने मुझे कहा था, अनुपमा का ख्याल रखना। तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, अब आंधी आए या तूफान जो भी आएगा, उसे ये बूढ़ा पर्वत अपने और अनुपमा के बीच खड़ा पाएगा। मैंने शादी वाले घर में भगवान बिठा दिए। ए जी जी रे, ए जी जी रे, ए जी। पहला शगुन भी दे दिया, भगवान भी विराजमान हो गए। अब भगवान के विराजमान होने के बाद भी अगर किसी ने शादी में बाधा डाली तो मैं उसे देख लूंगा। हमेशा सुखी रहे बेटा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, शादी के पहले गेस्ट बनने के लिए। थैंक यू सो 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 मच कान्हा जी। हेलो, ये कान्हा जी लड़की वालों की ओर से है या लड़के वालों की ओर से है? अरे मामा बड़ी, भगवान तो सबकी तरफ से होते हैं। और मैं अभी आता हूँ, मुंह मीठा कराने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो भाई जल्दी। थैंक गॉड कल की मीटिंग कैंसिल हो गई, अब मैं जल्दी वापस जाके अनु से मिल सकता हूँ। वैसे अनु का फोन क्यों नहीं आया? अच्छा, उसको टाइम नहीं मिला होगा, या हो सकता है वो मिलकर खुशखबरी देना चाहती हो। मैं भी तो उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे लीला, तू तो हर बात पे घूम घूम के कूद कूद के गरबा करती है, और आज जब असल में गरबा करने की बात आई तो चुपचाप खड़ी है। अरे गाओ गाओ, खुशी से गाओ, नाचो। अरे शादी वाला घर है भाई, मेरी बेटी की शादी है, नाचो गाओ। ये अब हम लड़की वाले हो गए। What is this way? मुझे क्षमा करना, हमारे यहाँ तो घर आए मेहमान को भगवान मानते हैं, और आप तो हमारे घर के भगवान हैं। पर आप जिस काम के लिए यहाँ विराजमान है वो काम नहीं होगा, ये एक माँ की बद्दुआ है।
की बददुआ है कि अनुपमा अगर तेरी शादी होगी तो ये शादी में कोई ना कोई अनहोनी होगी और होगी। क्योंकि इस शादी की वजह से मुझे जो दुख अपमान और आंसू देखने पड़ेंगे उसका हिसाब होगा और जरूर होगा। ये एक माँ की बददुआ है कि अगर तू मुझे रुला के शादी करेगी तो अनुपमा तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। और ये माँ की बददुआ का बादल है जो बरस कर ही रहेगा और जब बरसेगा तो ऐसा बरसेगा कि ऐसी बाढ़ आएगी कि तेरी खुशियां उसमें बह जाएगी। तू कर अनुपमा, तू शादी कर, इस घर में शादी कर, मेरे आंखों के सामने शादी कर। ओह गॉड, ये बा ने कैसा ओल्ड स्कूल रोना धोना किया है। एक तो अब हम लड़की वाले बन गए, ऊपर से बा का भी ड्रामा झेलना पड़ेगा। अब मैं भी क्या अपने बेचारे ड्राइवर को इतनी रात को बुलाऊं? यही रुक के तमाशा देखती हूँ, क्या भरोसा इस घर में कब तमाशा शुरू हो जाए। वैसे भी इस घर में 24/7 सब तमाशे के लिए रेडी रहते हैं। मम्मी आई हेट यू। सर, अगर आप सोना रहे हो तो कुछ बात करेंगे ताकि मुझे भी नींद ना आए। अरे यार, पहले बता देते, मैं खामा का कब से अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात की जाए। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी सर, अभी पिछले ही महीने हुई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मैन, ये हुई ना बात। एक पर्सनल सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी पूछिए। यार एक बार बताओ, ये शादी के बाद आदमी को फील कैसा होता है? आपकी शादी नहीं हुई है क्या सर? अरे कहाँ यार, अभी थोड़ी हुई, अभी सिंगल हूँ। इसी तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले और शादी के बाद में फर्क क्या होता है। बहुत फर्क होता है सर। शादी से पहले मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था और अब लगता है जल्दी से काम खत्म करके जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। एग्जैक्टली, मेरा भी यही हाल है, बिल्कुल ऐसा ही। जल्दी काम खत्म करो, जल्दी घर जाओ। कहते हैं ना सर, क्या खुशी से फूले ना समाना। हाँ। शादी के बाद बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती है। अरे मैं तो खुशी से पहले से ही फूल के गुप्पा गुबाड़ा हो गया हूँ। ये एक माँ की बददुआ है कि अगर तू मुझे रुला के शादी करेगी तो अनुपमा तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। मम्मी, 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 बद्दुआ दे दे, बद्दुआ दे दे, मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दे, बद्दुआ दे। ऐसे कैसे कर सकती? गुस्से में दी गई बद्दुआ दुआ से भी पहले लगती है। मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी। इतने साल का रिश्ता है हमारा, इतने साल का रिश्ता है, फिर भी बाने एक बार भी नहीं सोचा। ठीक है वो गुस्सा थी, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा। गुस्सा थी तो मुझे मार लेती, मुझे डांट लेती, जो मर्जी करती, मैं उफ तक नहीं करती। लेकिन माँ ने बद्दुआ दे दी, मेरी माँ ने बद्दुआ दे दी। बापू जी, मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी, माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी। ऐसे कैसे कर सकते बापू जी, मुझे बद्दुआ दे दी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।